नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने अपनी नेक्सॉन गाड़ी के लिए मंगवाई है एक स्पेशल चीज़, तो जो अपनी गाड़ी के होएगी सस्पेंशन में इंस्टॉल, और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ है। तो ये हमारा ऑर्डर है जो हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। इसका प्राइस टू पीस का हमारा है 2400। तो दोस्तों, ये हमारे जो गाड़ी के सस्पेंशन होते हैं उनकी जो स्प्रिंग होती हैं उनके स्प्रिंग के मतलब बीच में इंस्टॉल करना पड़ता है, ताकि वो जब गाड़ी हमारी गड्ढे में गिरे तो हमारी गाड़ी को झटका ना लगे। चलिए मैं इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ। मैंने एक बॉक्स पहले ही ओपन कर लिया है इसका, तो जो कि हमने ओपन करके रख रखा है। ये अपने बफर मंगवाए हैं मैंने ऑटो क्यूब कंपनी के। तो चलिए आपको दिखाता हूँ इसका बॉक्स अपना कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, ये है इसका अपना बॉक्स। इस पर यहाँ मिलती है अपनी ऑटो क्यू की बैजिंग, और ये अपना इसका डायग्राम है। ये जो हमारा सस्पेंशन होता है ये उसकी स्प्रिंग है ऊपर की साइड में, और ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं ये है बफर जो कि यहाँ पर इंस्टॉल होगा, और इसे हम कराएंगे मैकेनिक से। तो दोस्तों, अभी मैकेनिक के पास चलेंगे और ये पहले आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों सिलिकॉन होती है, सिलिकॉन रबड़। तो ये अपने जब स्प्रिंग के बीच में इंस्टॉल हो जाएगी और अपनी गाड़ी गड्ढे में गिरेगी, तो जैसे गड्ढे में जाती है गाड़ी स्पीड में, तो ये अंदर की तरफ दबेगा, उसके बाद में ये वापस से अपनी फोम में आ जाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, ये देखिए मेड इन इंडिया। और दोस्तों, इसमें अपना साइज भी लिखा मिल जाएगा यहाँ पर, साइज बी। तो नेक्सॉन में जो साइज लगता है अपना, वो साइज बी लगता है। दोस्तों, चारों सस्पेंशन जो है नेक्सॉन के उसमें साइज बी ही इंस्टॉल होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये साइज इसका आपको अभी प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए अब दिखेगा। ये देखिए साइज बी इंस्टॉल होता है, और बाकी इसका इंस्टॉल करने के बाद बताएंगे आपको। और इसके अंदर एक मैनुअल मिलता है अपना, इसमें सारे इंस्टॉलेशन की प्रोसेस दिखाई गई है किस तरीके से हमें इसको गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करना है। और एक बॉक्स के अंदर हमें मिलती हैं 14 जिप टाई जो इसे प्रॉपरली स्प्रिंग के अंदर पकड़ के रखेगी। तो चलिए दोस्तों, मैकेनिक के पास चलते हैं और कराते हैं इन्हें इंस्टॉल। मिलते हैं आपको मैकेनिक के पास में। आई करीब है, अरे कब फिट हो जाएगी जब ले लिए। लग गई, चल घुमा। नहीं लग रही पीछे, हटा स्प्रे मारने दे, स्प्रे थोड़े स्प्रे लगेगा, घुमानी है वो। अरे तो नहीं कर रहा, मुझे भी नहीं हो रहा। रुक जा यार, रुक जा, हटा जा बाहर, आ जा आ जा, चला जा। तो भाई, फाइनली अपनी कार में हो रहे हैं ऑटो क्यू के बफर इंस्टॉल। आगे वाले हो चुके हैं, पीछे वाले अब हो रहे हैं। तो अंधेरा हो चुका है, मिलता हूँ आपको इंस्टॉल करने के बाद, इंस्टॉल करवाने के बाद।
आजा तेरी वीडियो बन रही है। क्या नाम है इसका? जुबेर। जुबेर बुला ऐसा बुला। जुबेर ओ जुबेर को एक मिनट बुला रहा है। तो भाई साहब ये है हमारे जुबेर भाई, इन्होंने करे हमारी गाड़ी में बफर इंस्टॉल। तो जुबेर भाई कुछ कहना चाहोगे? नहीं भैया कुछ नहीं। नहीं YouTube का चैनल बोल। नहीं वो नहीं, तीन को बुलवाएंगे हम। मैंने ऑटो क्यू के बफर्स अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करा लिए हैं। ये रहा इसका बॉक्स, और मैंने प्रॉपरली जिप टाई से भी अपना टाइट करा दिए वो। तो आपको चलाने के बाद बताऊंगा कि इनका क्या रेस्पॉन्स आ रहा है रोड पे। तो चलिए दोस्तों, ये अपने अभी रोड है, चलते हैं जरा। तो भाई जो अपनी राइडिंग क्वालिटी है वो पहले से बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। जैसे जंप में जाने के बाद पहले गाड़ी का पता चलता था हमें कि हाँ गाड़ी गड्ढे में गई है, अब ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी बहुत स्मूथली जंप को क्रॉस कर लेती है, और अपनी गाड़ी का बॉडी रोल भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो भाई ऑटो क्यू के जो बफर्स हैं, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊंगा यूज़ करने के बाद में। फ़िलहाल तो अभी ये बढ़िया काम कर रहे हैं, और मैं हूँ इस समय यूनिवर्सिटी रोड पर, घर के लिए जा रहा हूँ। तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके लिए ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहे। तो दोस्तों ये है मेरा वो जो बॉक्स ऑटो क्यू से, मैंने फ्लिपकार्ट से ऑटो क्यू कंपनी के बफर्स मंगवाए थे जो भाई। और इसमें जो है ना एक प्रॉब्लम और है, ये आगे और पीछे का जो साइज आता है ना अपना बफर्स का, वो अलग अलग है। तो कम ये ऑटो क्यू वाले ने मुझे सेम दोनों 20 एक ही साइज के भेज दिए थे, तो आगे वाले जो थे वो परफेक्टली अपना इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन जो पीछे वाले थे वो भाई मुझे थोड़े कट करवा के तब लगवाने पड़े, उनकी फिटिंग तब आई है। तो भाई अपना ये थोड़ा साइज देख के तब खरीदें। तो ठीक है भाई, सारे भाइयों को राम राम, और सारे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।